नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। वन विभाग कटंगी के अमले ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात्रि कुड़वा से खैरलांजी सड़क मार्ग पर गश्ती के दौरान एक पिकअप वाहन से करीब 70,000 रुपए की बेशकीमती इमारती लकड़ी सागौन के लट्ठे अवैध तरीके से परिवहन करते हुए बरामद किए हैं। उपवन मंडलाधिकारी अमित पटौती के निर्देश तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी विवेक नाग के नेतृत्व में वन अमले ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस मामले में वन विभाग ने आरोपी ज्योतिलाल साखरे निवासी टुइया पारी योगेश पारधी निवासी दिग्दा को हिरासत में लिया है। वहीं वन विभाग ने MH 32Q 5645 को भी जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर लिया गया है। परिक्षेत्र सहायक गोरेघाट GR गोटाफोटे, परिक्षेत्र सहायक कटंगी IP चौहान, परिक्षेत्र सहायक तिरोड़ी कटरे, परिक्षेत्र सहायक खैरलांजी ओम प्रकाश धुर्वे, वन रक्षक गोरेघाट सुनील पर्दे, वन रक्षक नहले सर्रा अमोल गौतम, जितेंद्र उइके श्रीराम घरते, नगरगढ़ी सुरक्षा श्रमिक यदुराब वर्मा, महादेव सलामे प्रकाश मर्सकोले का सराहनीय सहयोग रहा। कटंगी से मनीष चौकसी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर भारत न्यूज, सच्चाई का दर्पण।